शाहपुर के बाद खबर शामिल करते चले बलवाल से, जहां शहर खुर्दनोश की कीमतों में रद्दबदल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का क्रैकडाउन। जायद कीमत पर गोश्त फरोख्त करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तार करवा दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे कमर उजुमान इनकलाबी से। जी इनकलाबी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी अबू बकर, आज तहसील बलवाल में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन, साइज रेट पर गोश्त बेचने वाले कसाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करा दिया। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बलावल अली हंजरा को चक नंबर 13 शुमाली के रिहायशी ने शिकायत की कि इनके गाँव में बलावल नामी कसाब 500 रुपए किलो से जायद गोश्त बेच रहा है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर बलावल अली हंजरा ने अमले के हमरा छापा मारकर कसाब को गिरफ्तार करा दिया और पुलिस थाना बलवाल में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है की बलवा आवाम ने जब तक मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया के दस्ते बाजू नहीं बनेंगे तो नाजायज मुनाफा कमाने वाले अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई कैसे हो सकेगी। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में वैसे भी बतौर मुसलमान हम सबको इशार का सबूत देना चाहिए कि चीजें महंगी करने की बजाय अवाम के तकलीफ में ना हो मुबतला हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मसनूई महंगाई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया इनकलाबी तफसीलात से आगाह करने का।